हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आपको मॉड्यूल मिल गई थी वो बिटली लिंक पे, ट्रिग्नोमेट्री यस की? सर। सबके पास है ना मॉड्यूल? ठीक है, तो उसको करते रहना और जितने भी डाउट्स हो सारे इकट्ठे करते रहना, फिर एक साथ डिस्कस करेंगे ताकि सब लोग एक बार अटेम्प्ट कर ले, प्रॉपरली इसका डिस्कशन हो। मोस्ट प्रोबेबली अपन हुआ तो संडे को डाउट डिस्कशन क्लास रख लेंगे। एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा संडे को या फिर मंडे सैटरडे को, जैसा भी होगा मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, आपका स्कूल चालू है क्या अभी के बंद है? चालू सर चालू है है। सर, चालू है, ठीक है। ओके बंद ओके, किन्हीं बंद किन्हीं किन्हीं सर। का चालू होगा, किन्हीं का बंद होगा, ठीक है, देखते हैं। तो मेन यही है आपका कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का वो जो मॉड्यूल है उसको प्रॉपरली अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जितना हो सके और जो जो क्वेश्चन नहीं हुए उनको एक बार सेकंड अटेम्प्ट वापस करो, ताकि इसका जब डिस्कशन करे आपको फायदा मिले। अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे फिर डिस्कशन होगा तो उसको सॉल्व करने का इतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं वापस आपको बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री का जिसका भी बाकी है, अभी भी जिसका बाकी है ट्रिग्नोमेट्री की मॉड्यूल, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट इट एक बार दो बार, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करो, फिर इसका हम डिस्कशन अच्छे से करेंगे। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एक बार जो आपने मॉड्यूल भेजा वही वाला कि और भी भेजे थे सर। नहीं, वो जो मैंने भेजी थी एक बार ट्रिग्नोमेट्री की, आप कौन सी वाली कर रहे हो? मॉड्यूल भेजा था आपने, बहुत पहले भेजा था। अवंती वाला? तो यस सर, आप लोग ने वही की है कि कोई और की है? तो मैं तो वही कर रहा हूँ। बाकी लोगों ने? हेलो, एक अवंती का मॉड्यूल मैंने भेजा था बहुत पहले, जब ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ रहे थे उसने उसी समय भेजा था। आप लोग वही सॉल्व कर रहे हो कि कोई और सॉल्व कर रहे हो? वो वाला तो हो गया। सर हो गया था ना, ठीक है। तो पहला तो हाँ उसी का करिए, मतलब वो बाकी लोगों ने वो सॉल्व करी कि कोई और करिए? वही वाला कर। वही किया ना, वेरी गुड, ठीक है। वो काफी अच्छी मॉड्यूल, उसमें लास्ट में टीपीपी भी है जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्स करके हैं, उसमें टाइम लिमिट में उसको ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। इज इट क्लियर? यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, तो क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर ऑलरेडी आपको क्लास 10th में इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, आई थिंक बेसिक आपको उसको पता होगा। हाँ आया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यस सर, जनरल यह सब पता है। इक्वेशन? हाँ, किस किसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं हम, जल्दी से? डिग्री जिसके हाईएस्ट पावर स्क्वायर वेरिएबल की 2 हो, डिग्री जिसके 2 हाईएस्ट हो। डिग्री 2 हो, वेरी गुड। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे एबीसी में क्या कंडीशन होती है ये बताओ, ए इज एबी? नॉट इक्वल टू 0, हाँ, और नॉट एबीसी इक्वल बिलोंग्स टू टू क्या होता है? रियल नंबर, ऑल रियल रियल नंबर। नंबर। आप कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, बस ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। एक जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, रीजन? सर वेरी पर वो गुड, जीरो होगा तो लीनियर बन जाएगा। हाँ, अगर वो जीरो हो गया तो क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा, ऑफ कोर्स, वेरी नाइस। ठीक है, तो ए हमारा जीरो नहीं होना चाहिए और डिग्री हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो ऐसी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालने के कितने तरीके सिखाए गए थे 10th में? दो नहीं, सर, दो दो जो सिखाए गए तो होंगे, लेकिन होते हैं कितने तरीके टोटल? इनफाइनाइट नहीं, तो तीन, मेथड्स, तीन मेथड होते हैं, तीन ये मेथड्स होते हैं सॉल्यूशंस निकालने के, तीन मेथड होते हैं। हो सकता है आपको लास्ट ईयर सिलेबस में दो ही मेथड होगा। एक तो पहला मेथड कौन सा होता है, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, हाँ, मतलब उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, है क्वाड्रेटिक ना। फॉर्मूला, हाँ, और एक होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक। लॉजिक। और एक और होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सही है, लास्ट टाइम था नहीं सही, हाँ, ये डिलीट हो गया था सिलेबस में आपके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये क्या बोला? कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सर, लगभग सेम ही है कंप्लीटिंग ना। हाँ, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेटिक। आप देखो, अगर ये तीनों से निकलेंगे क्या सॉल्यूशन, इन तीनों से निकलेंगे क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब इसके रूट्स निकलेंगे। आप चाहो तो ये दो फॉर्मूला ही अप्लाई करना, जनरली हम इसको अप्लाई भी कम ही करते हैं, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन। क्लियर है? ठीक है, सर, तो ये, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एक बार बता दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, बता दूंगा। चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व लेके हम कर लेंगे, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको रूट्स निकालना रहेंगे, तो दोनों तरीके अपन सीख लेते हैं। चलिए लिखो, बेसिक क्वेश्चन है। फर्स्ट सॉल्व, एक काम करना, इस क्वेश्चन को आप तीनों मेथड से करना। दो तीसरा मेथड तो आपको आता नहीं, तीसरा मेथड मैं सिखा दूंगा, आप बच्चे भी दोनों मेथड से करना।
ठीक है, दोनों में आपको आना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी एक बार अप्लाई करना, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन में थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन प्लीज ट्राई करना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो डायरेक्ट उसमें तो उसी वैल्यू पुट अप करनी और आंसर आ जाएगा, लेकिन फैक्टराइजेशन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए इसको दोनों मेथड से सॉल्व करना। सॉल्व सर फैक्टराइजेशन इजी रहता है। यस लेकिन के कभी कभी टफ हो जाता है, जैसे यहाँ पे। अब सर ट्राई करो इसको दोनों मेथड से। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स का मतलब एक्स की किन वैल्यू पे ये जीरो आएगा। तो दोनों मेथड से एक बार ट्राई करो। फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है ताकि उसके फैक्टर बन जाए, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मतलब डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो और रूट्स पता कर लो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है ना सबको? यस सर ओके यस बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन वेरी गुड। ये ए, ये बी और ये सी। चलो किसी के बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, अनम्यूट कर लो। तो किसी के घर से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, अनम्यूट कर लो ना। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है? आप तब तक इस फैक्टराइजेशन से भी निकालो। क्या आ रहा है आंसर, आ गया? सर डी इसके रियल माइनस एग्जिस्टिंग करेंगे सर, में आ रहा रियल है। रूट्स एग्जिस्टिंग करेंगे इसके सर, नहीं एग्जिस्ट कर रहे। ये नॉट पॉसिबल। अच्छा ये इसका अंदर क्या, 4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ? 48 48, ठीक है। माइनस ये कितना आएगा? 64 64। ओके सर आयोटा में आ रहा है। हाँ, मतलब नहीं आयोटा अभी नहीं सीखना है बेसिकली। यहाँ पे ये क्या हो गया, डी इसका लेस देन 0 है, आया ना? यस सर इसके रियल रूट्स आएंगे क्या? तो क्या लिख दो कि नो रियल रूट्स, नो क्या ये रियल प्रश्न रूट्स में जाएंगे, इसके रूट्स ही नहीं आ पाएंगे। अब चाहे कोई भी मेथड अप्लाई करो, फैक्टराइजेशन करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो, इसका जो डी है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो इसके रियल रूट्स आएंगे नहीं। हमने कंडीशन ऑलरेडी लास्ट ईयर सीखी थी कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल रूट्स आते हैं, डी अगर ग्रेटर देन 0 तो रियल रूट्स, डी अगर इक्वल टू 0 तो बताओ रियल एंड रूट रियल एंड इक्वल। रियल यस, रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल तो होंगे और रियल भी होंगे, और डी अगर लेस देन 0 आ जाता है तो नो रियल इमेजिनरी रूट और रियल रूट या फिर रियल इमेजिनरी रूट्स। वेरी गुड, नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स। क्लियर है यहाँ तक? यस सर ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा एक क्वेश्चन देता हूँ। इसी में अगर मान लो मैं ठीक है, चलो फिर दूसरा ये। कोई कोई डाउट आए किसी को भी तो पूछते रहना, ठीक है? देखो सॉल्व और ट्राई एक बार, या फिर रुको। हाँ चलो करो, करो कोशिश। इसका डी क्या पहले चेक कर लो, सर नहीं आएंगे सर नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है? यस सर नेगेटिव है इसका क्यों? अच्छा हाँ सॉरी, नेगेटिव आएगा। एक काम करो इसको फिर थोड़ा सा और अच्छा बनाओ। तो एक सेकेंड, हाँ अब करो। सर उसका आंसर नहीं आएगा।
हाँ डी लेस देन जीरो था ना, तो रियल रूट्स नहीं आएंगे। इसलिए मैंने फैक्टराइजेशन से किया, मेरा तो हो गया गलत किया होगा, वापिस चेक करूं। अब देखो इसका डी कितना आएगा, अंडर रूट टू, रूट टू तो ये इसका जो डी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, दोनों फॉर्मूले से अप्लाई करके देख लेते, बाकी आप लोग जल्दी जल्दी निकाल लो दोनों मेथड से। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दैट इज रूट टू अपॉन टू ए दैट इज टू, ए आर आंसर। ठीक है, एक प्लस में लेंगे एक माइनस में लेंगे, दो रूट आ जाएंगे। तो प्लस में लोगे तो कितना आ जाएगा, एक रूट, रूट टू कॉमन ले लोगे, अच्छा प्लस में ले लेना, देखो एक्स की वैल्यू दो आ जाएगी, एक माइनस थ्री रूट टू प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई टू, ये प्लस वाला सॉल्यूशन। देख कितना आएगा, माइनस थ्री रूट टू प्लस रूट टू माइनस ऑफ टू रूट टू बाई टू दैट इज माइनस रूट टू, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आएगा माइनस के साथ, माइनस थ्री रूट टू माइनस रूट टू बाई टू, तो माइनस थ्री रूट टू माइनस टू रूट टू कितना हो जाएगा, माइनस टू रूट टू नहीं माइनस फोर रूट टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ डिवाइड बाई टू, तो हाँ आओ टू रूट टू आ जाएगा। ठीक है, आपके दो रूट्स क्या आ गए, एक माइनस रूट टू आया और एक माइनस टू रूट टू आया, क्या ये सबको समझ में आया, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, एनीवन नो सर कोई डाउट, ओके किसी को हो तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है, ओके नाउ नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लो। सर डन, सर हो गया, हो गया, उससे भी यही रूट आ रहा है, यस सर, ओके चलिए बहुत बढ़िया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। उसके पहले एक क्वेश्चन आप ट्राई कर लो, ये वाला एक क्वेश्चन है उसको ट्राई कर लो, उसको मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करा दूंगा। बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, इसके रूट से अल्फा और बीटा मान लो, इसके रूट्स क्या है अल्फा और बीटा, तो आपको पूछा गया है फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन बाय अल्फा माइनस वन बाय बीटा, करो ट्राई, सब लोग ट्राई करेंगे प्लीज। माइनस टू बाय थ्री सर यही आएगा ना सर, जीरो जीरो आएगा सर, जीरो आ रहा है, जीरो आएगा, हाँ इसके रूट्स, अच्छा इसके रूट्स तो डायरेक्ट निकल जाएंगे, क्या आएंगे इसके रूट्स, माइनस थ्री, माइनस थ्री, इस बार क्वेश्चन थोड़ा इजी दिया था मैंने, ये क्या एक्स माइनस एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर है ये, यस सर, तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, मतलब दोनों रूट्स कैसे होंगे परफेक्ट स्क्वायर है ये, तो दोनों रूट के दोनों रूट्स क्या होंगे इक्वल, आया ना, यस सर, तो इनका डिफरेंस ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है चलिए, यहाँ तक ये किसी को डाउट है क्या इसमें, एनीवन कोई डाउट है क्या, समझ नहीं आ रहा मतलब ये जो आपने किया x plus 3 का होल स्क्वायर, इसकी स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म करो, प्रोडक्ट कितना चाहिए 9, प्रोडक्ट कितना चाहिए 9 और सम कितना चाहिए 3, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, यहां पे क्या आएगा x plus 3 और 3 कॉमन x plus 3, फैक्टराइजेशन जब करोगे इसके दोनों फैक्टर x plus 3 और x plus 3 ही बनेंगे। ठीक है, और चाहो तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये क्या है एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर भी, इसको ओपन करोगे तो यही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली दोनों फैक्टर क्या है एक्स प्लस थ्री, दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे माइनस थ्री माइनस थ्री, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा जीरो ही आएगा, दोनों रूट्स इक्वल है तो। ठीक है, अब बोलो जल्दी से, ये समझ में आ गया,
सर बट एक डाउट था मुझे कि अल्फा और बीटा तो सर वो होते हैं, मतलब वो प्रेस करने के बाद आते हैं सर, ये अल्फा और बीटा इसके मतलब रूट होंगे, मतलब इसके फैक्टर होंगे? रूट रूट मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की, एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। अल्फा और बीटा इसके रूट है, मतलब क्या एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे। तो इसके रूट क्या आएंगे, -3 और -3 तो आएंगे। हाँ ओके सर। रूट्स का मतलब क्या होता है, जो उसको सेटिस्फाई करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो पी की वैल्यू निकालो। जैसे मान लो ये है, ऐसे क्वेश्चन आते थे तो आप क्या करते थे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान लो, बोला इसके रूट्स इक्वल हैं तो पी की वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे? अल्फा B²-4AC को 0 के इक्वल कर देंगे। इनटू बीटा तो किसी ओवर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन इक्वल है तो डी को 0 से इक्वल कर देना। अगर रूट्स इक्वल है तो डी को कैसे इक्वल कर देना, 0 से। क्लियर है? तो यहां से आपको जो भी पी भी पूछेगा वो आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपने आई थिंक 10th में। क्लियर है सर? यस सर। ठीक है, ध्यान रखना कभी भी इक्वल रूट की कंडीशन आती है, इक्वल रूट्स, तो इक्वल रूट्स मतलब डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 मतलब B²-4AC को 0 से इक्वेट कर देना, यहां से पी आ जाएगा। ठीक है? हाँ सर किया था ये। हाँ वेरी गुड। सब P+-8 आ रहा है। P+-8 आ रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो। इसके रूट्स अगर मान लो अल्फा और बीटा है, वापिस से वही वैल्यू निकालो, वन डिफरेंस ऑफ द रूट निकालना है अगर मान लो। अच्छा मुझे बस इतना सा बताओ, रूट डी बाय एक एक मिनट सॉरी सर, ये नहीं, इसको जनरल जनरल क्वेश्चन में करते तो ज्यादा अच्छा बनेगा। मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, AX²+BX+C=0, ठीक है जनरल, इसके रूट्स है अल्फा और बीटा, तो बताओ सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा ABC के टर्म्स में क्या आता था? -B/A वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ द रूट C/A। जी भाई ओके। अब मान लो डिफरेंस ऑफ द रूट पूछा होता तो तरीका क्या होता निकालने का? क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूले से वैल्यू आई है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। α²-β² को खोलते हैं। α²+β² की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि देखो आपको अल्फा अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा पूछा है, तो आप ये तरीका अपना सकते हो। क्या आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, α²+β²+2αβ है ना, और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, α²+β²-2αβ। क्लियर है? बोलो यस सर। है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया गया। अगर मान लो इन दोनों का सब्सट्रैक्ट कर दें, इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी क्या क्या हो जाएंगे कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4αβ। तो आप यहाँ से आप क्लियरली क्या बोल सकते हो डायरेक्टली कि α-β² को लिखने का एक और तरीका क्या है, α+β² है ना। देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता क्या है, बेसिकली α²+β²-2αβ क्या होता है, -2αβ। लेकिन और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा, α²+β²+2αβ, तो इस 2αβ को मुझे -2αβ ना, इसमें से -4αβ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, या फिर यहीं से भी देखो ये उधर चल जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला बनेगा। देखो ध्यान से, यहाँ से अब स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा रूट, तो इस स्क्वायर को उधर जाके रूट में भेज दोगे तो आपके पास α-β की वैल्यू आ जाएगी, α-β का होल स्क्वायर आ गया यहाँ से, अब स्क्वायर उधर जाके जब रूट में चला जाएगा तो α-β की वैल्यू आ जाएगी। क्या क्लियर है सर? यस सर। हाँ इसका इसका फाइनल जो फॉर्मूला आएगा इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, α-β डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला आएगा √dy, √dy ये ध्यान रखना, डिफरेंस ऑफ द रूट α-β की वैल्यू आ जाएगी √dy। ठीक है? अच्छा यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो यहाँ पे मैं
अल्फा किसको मान रहा हूँ, बीटा किसको मान रहा हूँ, वो बात अलग अलग है। ठीक है, हो सकता है कोई बोले कि सबसे बड़ा वाला रूट अल्फा मान लिया, छोटे वाले रूट को बीटा, कोई बोलेगा इसको उसको मान लो। तो एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पे मॉड लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? मॉड, ताकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, इधर की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। क्योंकि अल्फा और बीटा तो रूट्स हैं। तो मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आए 4 और 7, तो कोई बोलेगा अल्फा को 4 ले लो, बीटा को 7 ले लो, कोई बोलेगा अल्फा को 7 ले लो, बीटा को 4 ले लो, तो फिर डिफरेंस में प्लस माइनस साइन का अंतर आएगा, इसलिए आप क्या लगा दो, मॉड लगा दो। क्लियर है? तो डिफरेंस ऑफ द रूट कितना जाएगा, अंडर रूट डी बाई ए, ये ध्यान रखना, डी बाई मॉड ए। बोलिए, थोड़ा सा समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया इसमें? तो जो अभी आपने मॉड को बोले, कुछ नहीं बोला मैंने, जब पॉजिटिव रखना है दोनों तरफ, डिफरेंस ऑफ द रूट क्या रखना है, पॉजिटिव। अब आपके पास रूट आएंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसमें हो सकता है कोई रूट बड़ा हो कोई रूट छोटा हो ना, कि तो अल्फा और बीटा तो हम किसी को भी बोल सकते हैं। ऐसा तो है तो नहीं कि अल्फा को बड़ा बोलना बीटा को छोटा बोलना है, बस डिफरेंस ऑफ द रूट का फॉर्मूला मॉड ऑफ रूट डी बाई ए, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्योंकि आप अल्फा और बीटा तो जनरल है ना, मान लो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आए 3, 2 और 5, तो किसी के लिए अल्फा 2 होगा तो बीटा 5 हो जाएगा। कोई बोलेगा कि ये अल्फा रख लो ये बीटा रख लो, रख सकते हैं ना, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, एक में डिफरेंस आएगा 7, एक में डिफरेंस आएगा 3, एक में डिफरेंस आएगा -3, इसलिए क्या लगा, मॉड लगा दिया, ताकि सबके लिए आंसर क्या रहे, सेम क्या रहे, मॉड। बस डिफरेंस ऑफ द रूट में मॉड वाला अगर याद रख सको तो रख लेना, या नहीं तो ये वाला तरीका अपना लेना, अल्फा माइनस निकालने के लिए। हाँ बोलो सर, एक एग्जांपल दे दीजिए। हाँ दे रहा हूँ, एग्जांपल नहीं, वैसे इसको जनरल फॉर्मूला अपना, देखो डिफरेंस ऑफ द रूट निकालने के लिए आप या तो रूट्स डायरेक्टली निकाल लो और उनकी वैल्यू पुट अप कर दो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक मिनट रुको। अच्छा, इसके अलावा और क्या था आपको क्वाड्रेटिक में, टेंथ में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट आ गया है ना, और आपको एक मुझे वो वाला मेथड करवाना है ना। ठीक है, वो वाला मैं आपको सिखा दूंगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ गया था। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट से आपके, जैसे मान लो मैंने बोला कि -2 एंड सपोज 6/5 आर द, ऐसे तो थोड़ा छोटा ही ले लो, मैंने बोला 2 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी अगर ये इसके रूट्स है तो? इक्वेशन निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट मतलब 2 + 3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब 2 × 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आई? बोलो। यस। ठीक है, तो कभी भी आपको अगर आपको रूट्स पता हो, रूट से इक्वेशन निकालना, तो ये बेसिक तरीका। ये देखो, ये सारा 10th का रिवीजन चल रहा है, इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। ठीक है, सम ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड द कोएफिशिएंट, देन नेचर ऑफ द रूट, नेचर ऑफ द रूट हम पता करते हैं डी से। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका 3 होता है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो कोई भी तरीका अपना के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ी छोटी आपको ध्यान रखनी है। चलिए ओके सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, या फिर पहले मैं आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सिखा देता हूँ, सॉरी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कोई भी एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज ठीक है, तो इसका मुझे यूज करना है रूट्स निकालने के लिए बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, अच्छा फैक्टराइजेशन से एक बार मुझे बता दो कि इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं। -9 -2। ठीक है, अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करके इसके रूट्स कैसे निकालना है वो ध्यान से देखो। तो बेसिकली करना क्या होता है इसमें, रुको यार आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर आप ये वाला ट्राई करना, नहीं तो पहली बार में कंफ्यूज हो जाओगे। रुको, एक क्वेश्चन पहले थोड़ा सा आसान वाला ले लेते हैं। ये लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस
एट इक्वल टू जीरो, ठीक है। मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी, अब इसके रूट्स निकालने, देखो रूट्स निकालने के लिए क्या करना, कंप्लीट इन द स्क्वायर, मतलब मुझे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या होता है, ये देखो ध्यान से, किसी भी चीज में अगर मैं बोलूं x प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसा मुझे कुछ क्रिएट करना है, क्या क्रिएट करना है, x प्लस ए का होल स्क्वायर। x प्लस ए का होल स्क्वायर क्रिएट कैसे होगा, इसको ओपन, ये ओपन कैसे होता है, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, है ना, ये फॉर्मूला सबको पता है, बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो बेसिकली मैं ऐसे ये बोल सकता हूँ, अगर एक्स स्क्वायर का टर्म हुआ, ए स्क्वायर का टर्म हुआ, किसी भी चीज का स्क्वायर के टर्म्स हुए, ठीक है, और बीच में क्या होना चाहिए, इसी का टू इंटू ए इंटू एक्स, अगर ये तीन टर्म मेरे पास आ गए, इन तीन टर्म को कंबाइन करके मैं क्या लिख सकता हूँ, इन तीन टर्म की जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, है ना, क्लियर है। अगर बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब अगर यहाँ पे माइनस आ गया इसके फॉर्मूले में क्या बन जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस आया तो प्लस वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये बस ये तीन टर्म का कॉम्बिनेशन ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये तीन टर्म का कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर। अब मुझे यही तीन टर्म क्या करनी, क्रिएट करनी है, यही तीन टर्म क्या करनी है मुझे क्रिएट, तो देखो ध्यान से, मुझे हमेशा x के साथ दी होता, अब देखो x के साथ क्या टर्म है, यहाँ पे चलो इसको प्लस ही ले लो फिलहाल के लिए, x के साथ क्या टर्म है, यहाँ पे x के साथ 2a का, बोलो बोलो, तो 2a को इस x के क्वेश्चन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, x के क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास a आ जाएगा, यस सर, है ना, जो भी x का क्वेश्चन होगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a, और उस और ये तीन टर्म मिलके फिर ये बना देगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x है, तो x, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, तो इसको क्या लिखूंगा, 2 इंटू 3 इंटू x, है ना, बोलो, yes, sir. Yes, sir. 2 into 3 into x, अब मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो यहाँ पे a स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होगी, ये देखो ये टर्म तो आ गया मेरे पास, ये टर्म तो आ गया, अब मुझे क्या चाहिए, a स्क्वायर, ताकि ये तीनों टर्म मिला के ये बन जाएगा, तो a स्क्वायर मतलब a कितना है, 3 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स्ट्रा इसी इक्वेशन में 3 का स्क्वायर ऐड करूंगा, 3 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करूंगा। देखो बच्चों सब लोग कंसेंट्रेट होकर एक ही बार में ध्यान समझना, ठीक है, 3 का स्क्वायर मैंने ऐड किया, 3 का स्क्वायर मैंने क्या किया, सबसे इक्वेशन को चेंज नहीं किया, क्वेश्चन ऐसा कैसे ही है, बस मैंने अपनी इक्वेशन में क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 3 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया, बाकी सब ऐसे कैसा करा, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये जो शुरू किया तीन टर्म है, ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, आया ना, यस सर। इसको शॉर्ट में समझने का तरीका क्या है, अगर इसका क्वेश्चन वन है, अगर इसका क्वेश्चन वन है, सबसे पहले तो इसके क्वेश्चन को वन बना दो, और जो भी एक्स के साथ है उसको टू से क्या कर दो डिवाइड, उसको टू से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर ऐड करो और उसी का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो, उसका स्क्वायर ऐड करो उसका स्क्वायर क्या कर दो सब्सट्रैक्ट, ठीक है यहाँ तक। देखो आप लोग कंसेंट्रेट होके सुनो यार, नहीं तो फिर हर क्वेश्चन में 15-15 मिनट निकल जाएंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं आपको डायरेक्ट याद रखने का तरीका सिखाता हूँ, सुनो ध्यान से, कोई भी इक्वेशन गिवन हो, जैसे मान लो मेरे पास ये एक और इक्वेशन गिवन है, 12, ठीक है, आप रट लो एक काम करो इसको, स्टेप वन, अगर इसका क्वेश्चन ध्यान से सुनना, सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, इसका क्वेश्चन अगर वन है, अब इसके साथ क्या गिवन है, 8 गिवन है, इसके साथ क्या गिवन है, 8, तो इसको 2 से डिवाइड कर देना, जो भी x के साथ कोएफिशिएंट है उसको क्या कर दो डिवाइड बाय 2, तो 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, बोलो 4x, जो नंबर आएगा उसी का स्क्वायर ऐड करो और सब्सट्रैक्ट करो, इसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर क्रिएट होगा उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्सट्रैक्ट करो, तो क्वेश्चन आपके पास क्या था, इसी क्वेश्चन को वापस लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x था और प्लस 12 था इक्वल टू 0। अब किसी भी इक्वेशन में हम सेम नंबर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन चेंज नहीं होती है, तो मैं इसी इक्वेशन में 4 का स्क्वायर ऐड कर रहा हूं और 4 का स्क्वायर ऐड कर रहा है तो सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, इससे इक्वेशन वो का वही, देखो इस क्वेश्चन चेंज नहीं किया, क्वेश्चन ये और ये सेम ही है, ये दोनों अलग नहीं है, बस यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड किया, 4 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया, यहाँ तक समझ में आया, बोलो सबको क्लियर है, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, ये शुरू की तीन टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, ये शुरू की तीन टर्म क्या बन जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर, बताओ ये किसका स्क्वायर है, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, वेरी गुड, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर, अब बची हुई टर्म देखो ध्यान से, x प्लस 4 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 16 प्लस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा,
एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ फोर इक्वल टू जीरो, आया ना? देखो ध्यान से, ठीक है, ये माइनस फोर उधर जाके प्लस फोर हो जाएगा, तो एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस फोर। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, अल्टीमेटली निकालना क्या है, मुझे निकालना है एक्स की वैल्यू, मुझे क्या निकालना है एक्स की वैल्यू। अब यहाँ से एक्स को सॉल्व करना है, स्क्वायर उधर जाके क्या होता है, रूट होता है। Yes, sir. Yes, sir. जाके क्या होता है, रूट, और रूट के आगे हम हमेशा क्या लगाते हैं, दो वैल्यू प्लस और माइनस। स्क्वायर उधर जाके जब भी रूट होता है, जैसे अगर आपको मैं सिंपल ये बोलूं, एक सेकंड खाली जगह, ठीक है, जैसे ये मैं अगर आपको बोलता कि सपोज ए स्क्वायर इक्वल टू 16, तो बताओ ए की वैल्यू क्या क्या आती, प्लस और माइनस। ये तरीका होता है, स्क्वायर उधर जाके रूट होता है, दो सॉल्यूशन, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर भी क्या होता है 16, तो ये तरीका होता है। सेम तरीका यहाँ पे भी मैंने बोला है कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर 4, स्क्वायर उधर जाके रूट में जाएगा, आगे लगेगा प्लस और माइनस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस, रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। अब यहां से x की वैल्यू 2 है, ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 4 प्लस माइनस 2। यहां से आपके पास दो रूट्स आ जाएंगे, एक बार प्लस लोगे तो माइनस 2, एक बार माइनस लोगे तो माइनस 6, तो x की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। अल्टीमेटली भी देखो माइनस 2 और माइनस 6 इसके रूट है। अब इसको आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके भी निकाल सकते हो, और क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसलिए देखो ये तरीका थोड़ा सा लेंदी जाता है, इसलिए जनरली इसको अप्लाई नहीं किया जाता है, बस आपको सीखना था इसलिए सिखा दिया। आ रहा है समझ में? करना क्या है, कुछ भी नहीं, सबसे पहले x स्क्वायर क्वेश्चन को 1 बनाओ, इसको 1 बनाने के, अगर ये पहले से 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो इसको 1 बनाओ। 1 कैसे बनाएंगे, मान लो अगर यहाँ पे होता है 5, तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दो, उधर भी 0 में चला जाएगा। यहाँ पे होता है 7, तो पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। सबसे पहले इसके क्वेश्चन को क्या बनाना है, 1, सबसे पहले इसके क्वेश्चन को क्या बनाना है, 1, फिर जो भी x का क्वेश्चन है उसको 2 से डिवाइड करना, जो भी x का क्वेश्चन है उसको कैसे डिवाइड करना है, 2 से, उससे जो भी आंसर आएगा उसी का स्क्वायर एड और सब्सट्रैक्ट करना है, उसी का स्क्वायर क्या करना है, ऐड और सब्सट्रैक्ट। उससे फायदा क्या होगा, शुरू की तीन टर्म है वो आपकी एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर। फिर हम बची हुई कांस्टेंट को उधर भेजेंगे, स्क्वायर को रूट में चढ़ाएंगे और एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2। सेम तरीका देखो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन 1 है, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3, 3 का स्क्वायर ऐड किया, 3 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब ये होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्लियर हुआ? अब स्क्वायर उधर जाके अगेन रूट में चला जाएगा, स्क्वायर उधर जाके अगर रूट में चला जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, आगे प्लस माइनस, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही खुद ही होता है 4 - 4। हाँ, वेरी गुड। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 प्लस -1, तो एक बार प्लस के साथ लोगे तो -4, माइनस लोगे तो -4, प्लस लोगे तो -2, तो दो रूट आ गए, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, क्लियर हुआ? तो ये आपका था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, आगे समझ में? यस सर। ये देखो, यस सर, आपको बस रूट्स निकालने से मतलब है, रूट्स आपको निकालना है बेसिक, उससे किससे निकालोगे, फैक्टराइजेशन कर लेना या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना, उसी से आपके अपने रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है। सर, इसका मतलब सर, जिस क्वेश्चन पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लग सकता है उस पे फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा, और सर वो वाला सर क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला तो अप्लाई होगा ही। देखो ये मेथड है, रूट्स निकालने का तरीका, तरीके है, तो तरीके अलग अलग है, सबका आंसर सेम ही आता है, तो आप तरीके कोई भी अपनाओ, ऐसा कोई क्वेश्चन अलग से नहीं हो कि इस क्वेश्चन में ये अप्लाई करना, इस क्वेश्चन में ये अप्लाई करना, ऑलरेडी के सॉल्यूशन निकालो ना, सॉल्यूशन फार्मूला भी आप चाहो तो अपने एनसीईआरटी 10th की उठा के देख लेना, वहाँ पे दिख जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो डेरिवेशन है वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करके ही बनाया गया। और कुछ यहाँ तक समझ में आगे क्या? Yes, हाँ। बोलो, बोलो, बोलो। हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं?
कहीं पे भी नहीं। देखो ये रूट्स निकालने का तरीका है बस, और कुछ नहीं, बस बता दिया गया है। ऐसा कोई यूज करना मतलब कहाँ पे यूज करेंगे तो कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी देखो, आपको जहां पे स्पीड कम लगती है वहां पे अप्लाई करो। ऐसा कुछ ऐसा जनरलाइज में नहीं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में अप्लाई करो उस क्वेश्चन में अप्लाई करो, ये तो कहीं पे भी अप्लाई करो, आपकी मर्जी। अब कोई भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो जाता है, जिससे मर्जी है उससे अप्लाई करो, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है। ओके सर। रटना नहीं है, देखो आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप टेंथ टेंथ से थोड़ा सा बाहर आ जाओ। अब यहाँ पे आपको क्या है, इस तरीके याद रखना है, कोई भी चीज को रटना नहीं कि भाई हाँ ये करना, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी बोलो बोलो सर, जल्दी बोलो। टेस्ट या फिर पेपरों में तो ये नहीं बोले जाएगा ना कि कंप्लीटिंग द मिडिल इसी मेथड से करो, हम तो तीन मेथड में से किसी से भी कर सकते हैं ना। हाँ किसी से भी कर सकते हैं, अब आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे तो वहां पे आपको सॉल्व नहीं करना, आंसर टिक करके आना, ठीक है। अच्छा सर, एक चीज पूछनी थी, जो अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो प्रेफर्ड मेथड कौन सा होता है उन तीनों में से, क्वाड्रेटिक, मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर ये बोला वाला? आपकी मर्जी, ऐसा कोई जनरल वो नहीं होता कि भाई ये मेथड अपनाओ, आपकी मर्जी, आपको जिससे आसान लगता हो वो अप्लाई करो, ओके सर। आंसर सबसे सेम आएगा ना, आंसर थोड़ी अलग अलग आ जाएगा, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करो। वो ये ओके सब सर। कि इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में ये करना है, जैसे इनफाइनाइट क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ पे आप ध्यान रखोगे। ओके सर, ठीक है। चलिए यहां तक आपका ये हो गया था, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा एक अच्छा एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ठीक है, जिसको थोड़ा सा अगर मान लो 10th के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो वो पहले रिवाइज कर लेना, क्योंकि अब चैप्टर आज स्टार्ट ही हुआ है, आज पहला ही लेक्चर है, आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे थोड़ी सी टफनेस लेवल अब बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड एक पेज ऐड कर देते हैं। चलिए करिए, लिखो, फाइंड सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। लिखो सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, लिखो फाइंड सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब एक इक्वेशन आपको दिए थोड़ी सी अच्छे से फॉर्मूला में, 3 की पावर, इसको लिखो ऐसे, x-1 ब्रैकेट x² + 5x - 50 = 1। तो बोला इसकी यहाँ पे जो x की जो जो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, उन सारी x वैल्यू का जब हम सम करेंगे तो आंसर कितना आएगा ये पूछा गया। फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली हर एक्स की वैल्यू का सम करो। जैसे मान लो इस इक्वेशन के रूट सारे 2 और 3, तो 2 + 3 = 5 हो जाएगा। इसके रूट सारे मान लो 7 और 8, या फिर 7, 8, 9, उन 7, 8, 9 का ऐड कर देंगे। इसके रूट सारे मान लो 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 का ऐड कर देंगे। तो इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स होंगे या फिर ऐसी वैल्यू जिसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसके जो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन का सम पूछा है। करो ट्राई। -4 आ रहा है। हाँ -4 करेक्ट। तो देखो अब यहाँ पे ये बताओ, यहाँ पे 3 की पावर something = 1, तो ये सर -4। हाँ 3 की पावर हम क्या रखें ताकि इसका आंसर 1 आ जाए सर? 0। तो वेरी गुड, किसी भी नंबर की पावर 0 ही, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर हो उसकी पावर 0 हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर की, रियल नंबर की पावर 0 हमेशा क्या होता है? 1, एक्सेप्ट 0, है ना। 0 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे इस नंबर को हम क्या रखना पड़ेगा? 0 रखना पड़ेगा, तभी जाके ये आंसर 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो बस इसका अगर आप 0 से इक्वेट कर दोगे, ये जो पावर है इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। अब यहां से इसके सारे सॉल्यूशन निकालने, क्या निकालने? सॉल्यूशन। तो इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, एक फैक्टर तो ऑलरेडी x-1 बना हुआ है,
अब इसके इसके स्पेक्टर क्या होंगे, देखो प्रोडक्ट कितना चाहिए माइनस 50 और सम कितना चाहिए प्लस 5, तो 5 को कैसे ब्रेक करें ताकि प्रोडक्ट माइनस 50 आ जाए, माइनस 10 प्लस 5 जीरो एक आएगा 5 और एक आएगा माइनस 10. क्वेश्चन में हमको इन तीनों का सम पूछा था, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा माइनस फोर. वेरी गुड. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो ध्यान रखना कि कोई भी नंबर की पावर 0 या हमेशा 1 होता है, उसको 0 से इक्वेट करके हमने सॉल्व कर लिया और तीन रूट्स पता कर लिए. ठीक है, इसी टाइप में एक क्वेश्चन और आता है वो करते हैं. ये समझ में आया? यस सर. ओके, यस सर. ओके, एक और वैरायटी देखो. चलो माइनस 1 तो आया ही नहीं. क्या कह रहे हो सर? ये इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू 1 तो आया ही नहीं सर. कहाँ पे 1 नहीं आया सर? 1 भी तो लाना है ना सर. ये 1 यही तो समझाया मैंने आपको कि यहाँ पे 3 की पावर क्या होगी, 0 तभी जाके ये बनाएगा ना. 3 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है. यस सर. तो हमने इसको 0 से इक्वेट करा है पावर को. ओके सर. ओके सर, निकाली. ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनते रहो. चलो एक और वैरायटी ट्राई करते हैं. बोला कि अगेन यही सेम क्वेश्चन है, इसी में आपको अगेन इस इक्वेशन के सारी पॉसिबल एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज का सम करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करके. लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 1. तो x की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकालो जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब x की किन वैल्यू रखने पे आंसर 1 आएगा. तो जितनी भी x की पॉसिबल वैल्यू उनका सम निकालना. लिखो, करो ट्राई. सर माइनस 10 एंड 6. हाँ मतलब जितनी भी एक्स की वैल्यूज आ रही होंगी सबका सम करके आंसर बताओ. सर माइनस 4. यस सर. सर वन आ रही है. क्या आ रही है? 1 माइनस 4. सर 1 आ रही है वो. ठीक है, तो मुझे तो पहले ये बताओ ये इस ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये 1 कब बनेगा? सर जब उसकी पावर 0 हो जाएगी. और ये नीचे वाला नंबर ये क्या होना चाहिए फिर? सर कुछ भी हो, रियल नंबर होना चाहिए सर. और 0 पक्का जब सर, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल. ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर हो, 0 को छोड़ दे. सर 0 की पावर 0 क्या होती है? वो इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, वो हम लिमिट्स में पढ़ेंगे क्लास 12th में. ओके सर. सर फिर आंसर 6 आएगा. आपने तरीका क्या अपना ये बताओ पहले. तो सर पहले पावर की हमने पावर को आपने 0 को 0 से इक्वेट कर दिया. अच्छा ठीक है, तो पावर को आपने 0 से इक्वेट किया होगा तो इसके रूट्स क्या-क्या है मुझे डायरेक्टली बता दो. सर माइनस बी बाय 2 से सम निकाल दिया सीधा. सर 6 है प्लस का 6. सर प्लस का 10 है. प्लस का होगा सिर्फ.
तो -10 + 6 -10 + 6 यस सर। तो ये इसके रूट्स आ गए। आपने क्या था इसको 0 से इक्वेट किया, क्या इसके अलावा और कुछ भी कर सकते हैं ताकि 1 आ जाए? सर अगर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की वैल्यू 1 होगी तब। वेरी गुड, अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई, अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई, पावर कुछ भी हो, 1 की पावर समथिंग हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बोलो। यस। अगर इसको मैंने 1 से इक्वेट कर दिया, एक पॉसिबिलिटी और क्या हो सकती है कि इसको आप कैसे इक्वेट कर दो 1 से, अब कोई भी नंबर 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। बोलो सर। मुझे मुझे सारे पॉसिबिलिटीज देखनी थी एक्चुअली, कि इसको 1 बनाने के लिए सारे तरीके क्या है, या तो इसको 0 बना दो तो भी ये 1 बन जाएगा, या इसको 1 बना दो तो भी ये 1 बन, ये दो पॉसिबिलिटी है आपका। ये एक मिनट, या तो इसको 1 बना दो, या तो इसको मैं पहले कंप्लीट कर लूं फिर पूछ लेना। या तो इसको 0 बना दोगे तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, या फिर इसको 1 बना दो तो 1 की पावर कुछ भी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्या ये दो बात समझ में आती है? बोलो। यस सर। तो अगर इसको 1 से इक्वेट करोगे तो यहां से देखो x² - 5x + 4 = 0, ठीक है, यहाँ के भी दो रूट्स आएंगे, क्या बनेगा सर, 1 प्लस का और 4 प्लस का, 4 और 4। वेरी गुड, x यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक 4 और एक 1। क्या है तक समझ में आया? यस सर, आ गया। अब इन सब का सम करना था, ये सारी पॉसिबल वैल्यू सब x आ गई, इनको रखोगे आप, अब रख के देख लेना, x की इन वैल्यू को रखोगे अगर इसके अंदर तो आंसर हमेशा 1 आएगा। x की जगह 1 रखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है, x की जगह 4 रख दो, x की जगह -10 रख दो, x की जगह 6 रख दो, उन सारे केसेस में आंसर मेरा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी थी। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था इन x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यू आपने निकाली इनका सम, इनका सबका सम सम पूछा गया था क्वेश्चन में, सबका सम कर दोगे तो -10 + 6 + 4 + 1, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। हाँ, अब डाउट पूछो, क्या डाउट है, किसी को डाउट था ना, कोई कुछ पूछ रहा था सर? ये जो x² - 5x + 5 = 1 है, इसके नीचे प्लस 4 कैसे आया? ये इस 1 को मैंने, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो गया, 5 - 1 = 4 हो गया, = 0 बचा, ठीक है। ओके ओके, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। एनीवन एल्स, कोई डाउट है किसी को? सर ठीक है, चलिए एक और वैरायटी ट्राई करते हैं, इसमें एक और दूसरी वैरायटी, ठीक है। देखो द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, इंटीग्रल मतलब इंटीजर्स, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के सो दैट इक्वेशन k - 2 × x² + 8x + k + 4 = 0 has real roots, has real roots। तक बोला गया k की कितनी वैल्यूज पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आएंगे, मतलब k की कितनी वैल्यूज पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट आएंगे, एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, इसके चार ऑप्शंस भी देता हूं, ट्राई करो बताओ इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच दिस इक्वेशन हैज रियल रूट, करो ट्राई, रियल रूट की कंडीशन अप्लाई करो।
वैल्यू और माइनस टू आ सकती है। कितना आ रहा है? के की वैल्यू 4 और 9 2 आ रही है सर। ये चार अगर जीरो इक्वल रूट में 9 है। रियल रियल बोला सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है 9। देखो ऑप्शन ए ओके। इसका डी करना पड़ेगा ग्रेटर देन 0 तभी जाके इसके रियल रूट्स आएंगे। रियल रूट की कंडीशन क्या होती है? डी ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 क्योंकि रियल रूट की कंडीशन क्या है? सिर्फ रियल रूट अगर जहां पे भी वर्ड यूज होगा आपको डी क्या करना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी की वैल्यू रख दी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ध्यान से 64 माइनस 4 टाइम्स ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4k प्लस 2k माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कैलकुलेशन कर रहा हूँ कुछ भी नहीं। 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 16 माइनस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं इन सबको उधर भेज रहा हूँ, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, उधर जाके क्या हो गया इक्वेशन देखो, ये माइनस पूरा 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 ब्रैकेट उधर भेज दिया, पूरा का पूरा ब्रैकेट उधर जाके क्या हो जाएगा ऐसा कैसा उधर चल जाएगा, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 16 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 16 और ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। उधर सब चीज जाएगी तो क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। यहां तक आ गया अपने पास। तो फाइनली इक्वेशन क्या बनेगी? के स्क्वायर प्लस 2k के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8 माइनस 16 कितना हो जाएगा -24 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके पता करना है k की कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2 आ रही है, 4 और माइनस 6। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 24 चाहिए प्रोडक्ट, 24 का मतलब 6 और 4 4 जा 24 ठीक है -24 लेस देन इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, यहां से फैक्टर बनेंगे k प्लस 6 और k माइनस 4। तो बेसिकली k की वो वैल्यूज निकालनी है जो इसमें रखने पे आंसर क्या है लेस देन इक्वल टू 0, आंसर क्या है लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाया था आपको मैंने सर वेवीकर भी मेथड वाले। हां वेवीकर मेथड, यहां पे दोनों रूट्स प्लॉट कर दोगे, एक रूट क्या है -6 दूसरा रूट क्या है +4। यस सर, क्वेश्चन पॉजिटिव है सारे। अगर x की k की वैल्यू प्लस 4 से ज्यादा हुई, यहां पे 4 से ज्यादा रख के देख लो, कोई भी नंबर 4 से ज्यादा रखो 5 6 7 8 कुछ भी रखो आंसर इसका प्रोडक्ट क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। मतलब 4 से ज्यादा हर वैल्यू ऑफ k के लिए प्रोडक्ट क्या होगा पॉजिटिव। -6 से कम कोई भी नंबर रखोगे -8 रख दिया मान लो, क्या रख दिया -8, तो -8 रखने पे ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट वापस क्या आ जाएगा पॉजिटिव। मतलब ये वाला जो रीजन है k की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा हुई तो भी पॉजिटिव रहेगा, k की वैल्यू -6 से तो भी पॉजिटिव, लेकिन इसके बीच में क्या होगा नेगेटिव, इसके बीच में क्या होगा नेगेटिव। और मुझे कौन सा चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये वाला रीजन। यहां से मेरा आंसर क्या आएगा -6 से लेके 4 तक टोटल 11 इंटीजर्स, तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अगर कहीं पे भी अगर सिर्फ इतना सा वर्ड लिखा हो रियल रूट्स, तो रियल रूट की कंडीशन होती है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जैसे ही किया क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया माइनस प्लस को उधर भेजा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके फैक्टर बनाए तो फाइनली इस दो फैक्टर का प्रोडक्ट लेस देन 0। वेवीकर मेथड अप्लाई किया और देखा नेगेटिव आंसर चाहिए, नेगेटिव रीजन का आंसर क्या रहा था -6 से लेके 4 तक इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए था, -6 से 4 में तो बहुत सारे वैल्यू ऑफ k होती है लेकिन मुझे इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए तो इंटीजर सॉल्यूशन क्या क्या आ गए 11 सॉल्यूशन आए। क्या है क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ओके, आज अपने जो जो वेराइटी कवर करी है उन सब में अपन ने बेसिक 10th का यूज किया कॉन्सेप्ट, इसमें 11th का कुछ भी नहीं सिखाया मैंने। 10th में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट थे, तीन मेथड सॉल्यूशन करने के, फैक्टराइजेशन कंप्लीट इन द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जिसको फैक्टराइजेशन में दिक्कत है तो वो घर पे जाके आज प्रैक्टिस करेगा खुद से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वगैरह ये आना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कंडीशन बताई रियल रूट की कंडीशन क्या होती है डी ग्रेटर देन 0, इक्वल रूट की कंडीशन डी इक्वल टू 0 और नो रियल रूट की कंडीशन डी लेस देन 0। तो कभी किसी क्वाड्रेटिक का डी अगर नेगेटिव आता है तो उसके कभी रियल रूट्स नहीं आएंगे। ठीक है, और इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है इक्वल टू 0,
रियल रूट की कंडीशन, रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहाँ पे वर्ड यूज कर लेना रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल रूट और डिस्टिंक्ट रूट हो तो, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं क्या होगा, डी ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड इक्वल तो डी इक्वल टू जीरो, और कभी सी वर्ड यूज किया रियल रूट्स, अगर सी वर्ड यूज किया क्या रियल रूट्स, तो रियल रूट्स यहाँ पे भी आते हैं और यहाँ पे भी आते हैं, दोनों की कंबाइन कंडीशन क्या हो जाएगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके बाद हमने देखा ये फॉर्मूला निकालने का तरीका, ठीक है, सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन है, डिफरेंस ऑफ द रूट मॉड के टर्म्स में लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ डी अपॉन मॉड है, या फिर इस मेथड से निकाल सकते हो, रूट्स अगर पता हो, इक्वेशन अगर निकालनी है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू जीरो, तो रूट्स की मदद से इक्वेशन निकालने का ये तरीका होता है। इसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने आपको ये तरीका बताया कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे रूट्स को निकाला जाता है, बेसिकली हम एक परफेक्ट स्क्वायर को क्रिएट करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर को क्रिएट करने के बाद एक्स की वैल्यूज निकालते हैं, और इसी मेथड से आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी डिराइव हुआ, चाहो तो आज घर जाके खुद से एक बार ट्राई करना, क्वाड्रेटिक कोई भी ये जो इक्वेशन है जनरल, कौन सी वाली स्टार्टिंग में जो आपको मैंने बताई थी ये वाली, स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करना खुद से, ठीक है, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना और फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव करना। कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले इसके क्वेश्चन को वन बनाना, तो पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देना, पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर देना, पहले ए से, फिर जो भी एक्स का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना, फिर उसी का स्क्वायर ऐड करना, उसी का स्क्वायर क्या करना सब्ट्रैक्ट, एक परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा और अपना वो फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। ये काम आप खुद से घर पे ट्राई करना, आपको ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व करवाए, ठीक है। इसके बाद अपन ने क्या देखा, दो अलग तरह की सॉल्यूशन, अगर थ्री कोई भी कॉन्स्टेंट की पावर समथिंग वेरिएबल अगर वन आ रहा है तो तभी पॉसिबल है जब वो कॉन्स्टेंट की पावर क्या हो जाए जीरो, उस कॉन्स्टेंट की पावर को हमने जीरो करा तो वहां से हमारे पास एक्स की तीन वैल्यू आ गई। अगेन ये वाला एक और क्वेश्चन था जिसमें वेरिएबल की पावर वेरिएबल, मतलब यहाँ पे भी वेरिएबल था यहाँ पे भी वेरिएबल था, और आंसर कितना आ रहा था वन, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर वाला जीरो हो जाए तो भी आंसर वन आएगा, तो एक केस ये बना दिया केस वन के पावर क्या कर दी जीरो से इक्वेट, और सेकंड केस जो बेस है वो कैसे इक्वेट कर दिया वन से, क्योंकि वन की पावर भी कुछ भी रखो तो भी आंसर क्या आएगा वन, तो ये दो पॉसिबल केस, यहाँ से एक्स की सारी वैल्यू को फिर एड कर दिया। इसके बाद हमने ये क्वेश्चन और किया, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के बताओ, के की इंटीजर वैल्यू बताओ ताकि इसके रूट्स कैसे हो रियल, तो रियल रूट की कंडीशन अभी मैंने आपको बताया क्या होगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये अप्लाई करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, उसके फैक्टर बना दिए, तो के प्लस सिक्स इंटू के माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सॉरी वेवी कर्व मेथड जो आपको मैंने पहले सिखा रखा है, अब उससे मदद से मुझे इसको सॉल्व करना था, इसको कैसे सॉल्व किया, यहाँ पे प्लॉट कर दिया, एक क्या माइनस सिक्स, एक था प्लस फोर, प्लस माइनस प्लस, मुझे नेगेटिव रीजन चाहिए था, मतलब ये वाला रीजन, तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा माइनस सिक्स से लेके फोर, माइनस सिक्स से लेके फोर में कितने इंटीजर आएंगे वो मैंने काउंट कर लिए, माइनस सिक्स से लेके फोर में इलेवन इंटीजर आएंगे, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आज का लेक्चर हमने ये सब सीखा, क्या यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है, ये रिवाइज भी कर, हाँ मतलब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पार्ट बोल सकते हो, बेसिकली इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है, लेकिन हम पहले क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं उसके बाद कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक की सारी बेसिक चीजें को अच्छे समझ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इसी के बाद, जैसे अगर मान लो रूट्स अगर रियल नहीं आते हैं तो उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इस बार पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक पढ़ने के बाद पहले सीक्वेंस सीरीज और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर करेंगे, उसके बाद लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करेंगे, ठीक है, ओके सर, हां सर आप इसकी पीडीएफ ग्रुप पे सेंड कर देना, हां ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा आज का लेक्चर, हाँ बोलो सर, एक डाउट था सर, माइनस कोसेक सर ट्रिग्नोमेट्री का है सर, छोटा सा सर, माइनस कोसेक थीटा सर, कोसेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा के बराबर होता है ना, कोसेक, अच्छा कोसेक ऑफ माइनस थीटा, हाँ बताओ, तो सर ये माइनस कोसेक थीटा के बराबर होता है ना, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी आप सोच सकते हो कोसेक का रेसिप्रोकल कौन होता है, साइन है ना, सर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन sin ऑफ माइनस थीटा, sin के केस में ऑलरेडी मैंने आपको बताया sin के अंदर नेगेटिव एंगल क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, ठीक है, ओके सर, देन आप माइनस cosec थीटा लिख सकते हो, क्लियर है, ओके सर, सर अगर जो sin थीटा है सर उसकी वैल्यू माइनस का सर माइनस का आ रही है, माइनस में आ रही है, तो सर कुल मिलाके वैल्यू फिर पॉजिटिव की हो जाएगी ना, नहीं नहीं क्या कह रहे हो, sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, sin का आंसर नेगेटिव आ रहा है, यस सर, sin थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव इसका मतलब ये जो थीटा है ये आपका थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा, यस सर, तो सर कुल मिलाकर जो टोटल वैल्यू होगी वो पॉजिटिव की हो जाएगी ना, टोटल वैल्यू पॉजिटिव कैसे हो जाएगी, मतलब समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो सर, मेरा कहने का मतलब है सर अगर माइनस साइन थीटा है,
माइनस ऑफ साइन थीटा। यस सर। और सर थीटा हमारा थर्ड ये फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करता है। हाँ तो फिर तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर तो। कुछ ओके सर, सर बस यही डाउट था। ठीक है सर, वो जो अभी आपने लास्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जो के की रेंज निकाली थी वो मेरे को नहीं समझ आया था, वो मैट्रिक्स वाला मतलब शायद मैं था नहीं उस समय। ठीक है मैं समझा दूंगा लास्ट में एक बार। और कोई डाउट है इसमें किसी को? चलिए जिसको डाउट नहीं वो लीव कर सकते हैं, क्योंकि अब आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर स्टार्ट किया तो वो पूरा 11th का टॉपिक है। ये 10th का रिकैप था आपके लिए जो 10th में हमने सीखा था। अब जो अगला टॉपिक आपका आएगा वो 11th से रिलेटेड आएगा, तो 11th से रिलेटेड अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में ट्राई करेंगे। जिसको अगर कोई डाउट नहीं तो वो लीव कर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझा दीजिए, समझ नहीं आया। जिस पर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करोगे? क्या कह रहे हो सर? टॉपिक नेक्स्ट क्लास का। नेक्स्ट में अपन ये रूट्स में ही कॉमन रूट्स की कंडीशंस, फिर ये अपने लोकेशन ऑफ द रूट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब। ठीक है? ठीक है सर। हां और ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है ओके। ठीक है कुछ भी यहाँ पे इनइक्वालिटी हो, ये इनइक्वालिटी में आता बेसिकली, या तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा या फिर लेस देन इक्वल टू जीरो होगा, कोई भी एक होगा। तो मान लो आपके पास लेस देन इक्वल टू जीरो, ये इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है? सॉल्व। तो आपको बेसिकली ये पता करना है कि k की क्या क्या वैल्यू रखूं, ताकि वैल्यू रखने पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव आए। तो k की कितनी वैल्यू पे इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए ये पता करना है। इसका तरीका क्या होता है, इस दोनों फैक्टर जो भी आप बनाते हो उन दोनों फैक्टर्स के जीरोस पहले प्लॉट कर दो। इसका मतलब क्या कि अगर k को 3 रखा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 0। k को 5 रखा तो भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब मुझे ये देखना है कि अगर वैल्यू 5 से ज्यादा हुई तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो आप खुद ही सोचो कि अगर वैल्यू 5 से ज्यादा हुई तो k माइनस 5 क्या होगा? पॉजिटिव। यस सर। k माइनस 3 भी क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? पॉजिटिव। मतलब k की वैल्यू, मतलब ये बेसिकली मैंने k के लिए एक्सिस बनाई है, तो k अगर 5 से ज्यादा हुआ तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। 3 से कम को भी वैल्यू रखते, देखो 2 रख दिया मान लो, तो 3 से कम रखने पे क्या होगा? ये वैल्यू, ये ब्रैकेट नेगेटिव आएगा, ये भी ब्रैकेट क्या आएगा? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 3 से कम के लिए भी रीजन में सारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है। लेकिन अगर वैल्यू 3 और 5 के बीच में, मान लो 2 रख दिया, सॉरी 4 रख दिया, क्या रख दिया? 4। तो 3 और 5 के बीच में क्या होगा? 3 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, 3 से बड़ा होने पे ये तो पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर 5 से कम है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट कितना होता है? नेगेटिव होता है। तो इस रीजन में जो भी वैल्यूज ऑफ के होगी वहां पे इस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, फिर प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट लगा देते हैं। ठीक है। प्रोवाइडेड बस ये क्वेश्चन पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे जैसे के का क्वेश्चन हुआ है, यहाँ पे भी के का क्वेश्चन हुआ है, पॉजिटिव, तो हम क्या लगा देते हैं? प्लस माइनस प्लस। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब मुझे कौन सा चाहिए था? नेगेटिव रीजन। मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला कौन सा रीजन है? ये वाला। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये, मतलब के की वैल्यू अगर 3 से लेके 5 के बीच में हुई तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी समझा रखा था स्टार्टिंग के लेक्चर में। आ गया समझ में? सर एक जगह सर कंफ्यूजन है। बोलो बोलो, जल्दी पूछो। सर वो जो साइन चेंज हो जाता है, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू और ग्रेटर देन, सर उसमें साइन चेंज हो जाता है, कभी इधर की साइड वो मुंह खुला होता है, कभी इधर की साइड खुल जाता है। नहीं, वो तभी चेंज होता है जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज होता है। अगर इनइक्वालिटी दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो जाके साइन चेंज होता है, ऐसे साइन चेंज नहीं होता। इनइक्वालिटी में अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो साइन चेंज होता है। हाँ समझ गया, समझ गया। थैंक यू सर। ओके ठीक है। तो एक बार घर पे जाके खुद से वापस जो जो मैंने कराया ट्राई कर, कंप्लीटिंग इसका मैंने समझा दीजिए, समझ नहीं आया मेरे को। मैंने दो बार समझाया था बेटा, 3 एग्जांपल लेके समझाया था मैंने। क्या कहा था, एक बार खुद से ट्राई करो वापस इसको। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ये ट्राई करना। ठीक है, ये टफ नहीं है, एक बार ट्राई करना। और नहीं हो तो 10th क्लास के सॉल्व एग्जांपल से एक बार प्रैक्टिस करना घर पे। ठीक है, खुद से एक बार कोशिश करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं
कितना ही बता दो, अगर आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। मैंने दोनों एग्जांपल लिए, मैंने आपको सिंपल दो ही चीज बताई है, कुछ भी नहीं करना है। तब अगर सर हर इक्वेशन में 2 से डिवाइड करना है, हां क्योंकि आपको ये क्रिएट करना है ना 2ax x2 2x a2, ये तीन टर्म क्रिएट करनी है। और ये यहां पे a2 कब बनेगा, a2 क्या होता है, जो x को 2 से डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा ना, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं a2 का ऐड करते हैं, a2 का सबट्रैक्ट करते हैं, उससे हमेशा ये जो शुरू की तीन टर्म है ये क्या बनेगी, देखो ध्यान से x2 2ax a2 x + a का होल स्क्वायर ही तो बनेगा, आया ना। सर जैसे x2 5x दे रखा है तो फाइव बाई टू का एड स्क्वायर, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स दिया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस सपोज दिया हुआ है फाइव एक्स प्लस सिक्स नहीं, हाँ चलो प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन हुआ ना यहाँ पे फाइव पे, तो फाइव को टू से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, फाइव बाई टू आया ना, तो 5 by 2 का स्क्वायर ऐड करो, 5 by 2 का स्क्वायर सबट्रैक्ट करो, बस जो तरीका अपना है बस वही तरीका अपना है। तो यहाँ पे आपके पास x के क्वेश्चन को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 5 by 2 आएगा, तो 5 by 2 का स्क्वायर ऐड किया, 5 by 2 का स्क्वायर क्या किया सबट्रैक्ट किया, तो इससे अगेन देखो शुरू की तीन टर्म बताओ ध्यान से क्या बनेगी, ये शुरू की तीन टर्म क्या है, किसका स्क्वायर है यहाँ पे x, तो x से a कितना है प्रैक्टिस करना वापिस से, टेंथ की बुक में सॉल्व एग्जाम्पल भी दिए, क्वेश्चन भी दिए, उनसे प्रैक्टिस करके आंसर मैच करने की कोशिश करना आ जाएगा, क्लियर है। हाँ सर, इस बार के टेस्ट में ट्रिग्नोमेट्री आई, इस संडे शायद आप पिछले संडे टेस्ट हुआ था क्या आपका, यस सर मतलब इस संडे शायद टेस्ट नहीं होगा आपका, अब एक गैप, एक संडे गैप होके टेस्ट होगा, तो आपका टेस्ट अगला 28th को होगा। ओके सर, पिछली स्लाइड भी आपने चैट सेंड नहीं दी थी, हाँ मैं आज दोनों स्लाइड कंबाइन सेंड कर दूंगा। ओके सर।